हाय फ्रेंड्स, मैं प्रभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी किचन पे। आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इसको बनाना भी बहुत ईजी है। उड़ीसा का एक फेमस डिश है जिसको हम बोलते हैं पखाड़ा। इस डिश को पखाड़ों में खाने से ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम टमाटर की चटनी बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिया है जिसको मैंने बीच में से इसको 2 हिस्से कर लिया है। पहले हम पैन को अच्छे से गर्म करके इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। अब हम इसमें टमाटर को डालेंगे। अब हम टमाटर को पलट पलट कर अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसको दूसरी तरफ पलट लेते हैं। इस तरह से इसको पलट पलट कर अच्छी तरह से भून लेना है। इसको भूनने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम में रखकर इसको पलट पलट कर अच्छे से भून लेना है। टमाटर यहाँ पर अच्छे से भून चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन में 4 से 5 लहसुन को डाल के इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। लहसुन के साथ हम 2 लाल मिर्च को भी इसमें भून लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से भून लेना है। लहसुन और लाल मिर्च अच्छे से भुन चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसको टमाटर में डाल देंगे। अब हम टमाटर, लाल मिर्च और लहसुन को अच्छी तरह से मिला लेंगे। चम्मच की मदद से या फिर मैसर की मदद से भी इसको अच्छे से मिला सकते हैं। आप चाहे तो इसको ठंडा करके इसको हाथों से भी मैश कर सकते हैं। हाथों से मैश करने से इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी आती है। अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद डालेंगे प्याज जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। लास्ट में हम ऐड करेंगे धनिया पत्ता डाल के इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। यह हमारी टमाटर की चटनी बनकर रेडी है। अगर आप सबको आज का रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।